नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी को लेकर के सिंगापुर से अभी अभी बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। लालू प्रसाद जी के फैंस चाहने वालों में चिंता की लकीरें उमड़ पड़ी है। मैं आपको बता दूं कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद जी को लेकर के सिंगापुर से अभी अभी 5 मिनट पहले बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद जी की बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने पिताजी के बारे में बहुत ही बड़ी जानकारी दी है। मैं आपको बता दूं कि लालू प्रसाद जी की किडनी का ट्रांसप्लांट सिंगापुर में 5 दिसंबर को किया गया। लालू जी की बेटी रोहिणी आचार्य जिन्होंने अपनी किडनी अपने पिताजी को डोनेट की और लालू प्रसाद जी की किडनी का ट्रांसप्लांट 5 दिसंबर को सिंगापुर में किया। लालू प्रसाद जी को रोहिणी आचार्य ने अपनी किडनी डोनेट की और लालू प्रसाद जी को एक नया जीवन दान दिया। लालू प्रसाद जी को लेकर के सिंगापुर से अभी अभी बेहद ही दुखद खबर सामने निकल कर आ रही है। लालू प्रसाद जी की बेटी ने बताया है कि उनकी हालत अभी नासाज बनी हुई है। जी हां, अपने पिताजी के बारे में बताया कि अभी पिताजी की हालत नासाज बनी हुई है, उनकी बॉडी में कोई ज्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिल पा रहा है। आप सभी लोग ईश्वर से दुआएं कामनाएं करें कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए और इंडिया वापस आ जाए। जी हां, लालू प्रसाद जी की किडनी का ट्रांसप्लांट हो चुका है, उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, लेकिन उनकी अभी बॉडी में कोई ज्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। उनकी हालत थोड़ी सी नाजुक जा रही है। आप सभी लोग ईश्वर से दुआएं कामनाएं करें कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में।